जबकि पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जादुई दवा की खोज में जुटी हुई है, लंदन में इस खोज की दिशा में एक बड़ी कोशिश बुधवार से शुरू हो गई। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने नया कोरोना वायरस वैक्सीन इजाद किया, जिसका इंसानों पर ट्रायल शुरू हुआ है। जानवरों पर ट्रायल कामयाब होने के बाद इंसानों पर यह ट्रायल शुरू हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में करीब 300 लोगों पर यह ट्रायल होगा। पहला चरण कामयाब होने के बाद अक्टूबर में करीब 6000 लोगों पर इसे आजमाया जाएगा। I wouldn't be working on this trial if I didn't feel cautiously optimistic that we will see great immune responses in our participants. But there's still a long way to go to evaluate this vaccine. ये वैक्सीन नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन को विकसित करने में जेनेटिक कोड के सिंथेटिक स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया गया है। मांसपेशी में जाने के बाद शरीर की अपनी कोशिकाएं कोरोना वायरस पर स्पाइकी प्रोटीन बनाने लगती है। इससे शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने की ताकत रखने वाला इम्यून तैयार होता है। इस वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन में काफी उत्साह है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने इस वैक्सीन को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत से ये वैक्सीन पूरी दुनिया में उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा वैक्सीन के ट्रायल पूरी दुनिया में जारी है।